आईपीएल 2021 के बीच चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बुरी खबर सामने आई है। टीम के स्पिन कोच मुथैया मुरलीधरन की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें चेन्नई के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खबरों के मुताबिक हार्ट में समस्या के चलते उन्हें चेन्नई के अपोलो अस्पताल ले जाया गया है। वेस्ट टीम में गेंदबाजी कोच है। इसी दौरान उन्हें हार्ट में कुछ समस्या आई है। स्थानीय मीडिया के अनुसार मुरलीधरन को 18 अप्रैल की शाम को अस्पताल ले जाया गया, वहां उनका टेस्ट किया गया है। खबर है कि मुरलीधरन के हार्ट में एक ब्लॉकेज है, ऐसे में उनके हार्ट में स्टेंट डाला जाएगा। मुरलीधरन अपने जमाने में दुनिया के सबसे घातक स्पिन गेंदबाज रहे हैं। एक टाइम था जब ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉन और मुरलीधरन की स्पिन के आगे बल्लेबाजों की हालत पतली रहती थी। फील्ड पर मुरलीधरन खासे पसीना बहाते नजर आया करते थे, लेकिन उनके दिल की बीमारी ने हर किसी को सकते में डाल दिया है। 49 साल के मुरलीधरन विकेट के सबसे कामयाब गेंदबाजों में से एक है। उन्होंने अपने करियर में 133 टेस्ट मैच खेले हैं और कुल 800 विकेट झटके हैं। साथ ही उन्होंने इस फॉर्मेट में एक अर्धशतक भी लगाया है, जिसमें से 362 विकेट हारे और ड्रॉ है। वहीं वनडे में उन्होंने 350 मैच में कुल 534 विकेट अपने नाम किए हैं। वनडे और टेस्ट में उनका सर्वाधिक विकेटों का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी बरकरार है। उन्होंने 12 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले हैं और 13 विकेट लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को जब उन्होंने छोड़ा था तब उनके खाते में टेस्ट, वनडे और T20 मिलाकर कुल 1347 विकेट लेने का अनोखा रिकॉर्ड है। गौरतलब है कि इससे पहले पूर्व क्रिकेटर और भारतीय टीम के कप्तान रहे सौरव गांगुली को भी कोलकाता में दिल का दौरा पड़ा था। कई दिनों तक गांगुली अस्पताल में भर्ती रहे। हालांकि जिस तरह की जीवन शैली क्रिकेट खिलाड़ी अपनाते हैं, उन हालातों में दिल की बीमारी का होना सबको हैरान करता है। गांगुली के बाद अब मुरलीधरन की इस बीमारी ने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सचेत रहने की ओर इशारा किया है। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।